हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ओके, तो हम लोग कर रहे थे स्टडी ऑफ गैस लॉ, ख़त्म होने वाला ही है आई थिंक, बट हम लोग बस डाउट सेक्शन पे आज वर्क करेंगे। और डाउट्स में, जैसा कि आप लोग, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि जो भी बच्चों का डाउट होगा उस डाउट पे बेस्ड यदि कोई कॉन्सेप्ट रह गया होगा तो वो कॉन्सेप्ट तो आपकी बुक में नहीं था, बट क्वेश्चंस यदि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे हम ये कॉन्सेप्ट ले सकते हैं तो कॉन्सेप्ट हम लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चों को डाउट नहीं हुआ अच्छी बात है, बट जिन बच्चों का डाउट निकला था उस डाउट पे बेस्ड हमको अभी तक तीन टॉपिक मिला था। एक था कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन क्लोज एंड कनेक्टेड कंटेनर या वैसा, और फिर हम लोग ग्राफ्स के क्वेश्चंस भी करेंगे। ओके, तो ग्राफ्स में आई होप आप लोगों के एक्सरसाइज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं था, बट जब हम ना चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ कर ही लिए हैं तो उस पर ग्राफ्स के क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो भी हम सीखेंगे। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन एंड क्लोज कंटेनर विथ कनेक्टिंग वेसल। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हम देखो बेसिक्स आइडिया लेंगे। ठीक है, यदि आपको बेसिक्स आइडिया होगा तो उस पर हम क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस करेंगे, और जो बच्चों का डाउट लिखा था वो भी डाउट होगा तो बोलोगे तो एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपको एक या दो क्वेश्चन हो जाएंगे। बस समझना है, समझ जाओगे क्वेश्चन को आप लोग ऐसे अपने आप फ्रीक्वेंटली कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत आपको होगा भी नहीं। ओके, देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है ओपन वेसल का। फर्स्ट किसका कॉन्सेप्ट है? ओपन वेसल का। देखो ओपन वेसल ये बोलोगे ना कि कंटेनर को क्या ओपन है, यदि ओपन है हम क्या बोले, कोई कंटेनर ओपन है, कोई कंटेनर है ना ओपन वेसल है। यदि ओपन वेसल है तो यहाँ पे कुछ गैस फील्ड है, यदि कुछ गैस फील्ड है इसका एक सरफेस हम क्या बोले, ये तो ओपन है ना, यदि ये ओपन है तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, पी एटमोस्फेयर। क्या लग रहा होगा? पी मतलब कि प्रेशर बिकॉज ऑफ एटमोस्फेयर, प्रेशर बिकॉज ऑफ एटमोस्फेयर। अब देखो जब इसको आप, हम सपोज क्या बोले, इसको हीट या कूल किए, सपोज इसको हम हीट या कूल करेंगे तो जो गैस के अमाउंट थे वो चेंज कर जाएंगे, गैस के अमाउंट क्या होंगे, चेंज कर जाएंगे, बट वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, क्योंकि सपोज क्या बोले, पहले गैस का 5 मोल था, सपोज गैस का 5 मोल था वो यहाँ तक फिल्ड था, अब इसको थोड़ा सा हम हीट कर दिए, सपोज गैस के कुछ अमाउंट बाहर निकल गए, जब गैस के कुछ अमाउंट बाहर निकल जाएंगे तो अभी जो गैस वॉल्यूम तो उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा होगा ना, गैस क्या होता है वॉल्यूम उतना, मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम था कंटेनर का वो अभी भी उसका वॉल्यूम ही होगा। इट मीन्स इन ओपन वेसल, इन ओपन वेसल वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑलवेज रिमेंस कॉन्स्टेंट, बिकॉज यदि कंटेनर ओपन है तो वहाँ पे प्रेशर एटमोस्फेरिक लग रहा होगा और जो गैस का वॉल्यूम है वो भी कॉन्स्टेंट होगा, तो जो चेंज करेगा वो मोल करेगा। मोल यदि बच्चों को ज़्यादा डाउट हो रहा है इतना समझो कि वहाँ पे जो गैस के अमाउंट हैं वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट होंगे। इट मीन्स हम सॉरी गैस का अमाउंट क्या होगा वो चेंज करेगा। हम देखे थे ना इक्वेशन, देखो तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या था, पी वी इक्वल टू क्या था, एन आर टी था, यही था आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इक्वल टू एन आर टी बोल सकते हो, पी वी बाय एन टी इक्वल टू आर, ये कॉन्स्टेंट है, ये क्या है कॉन्स्टेंट है। तो हम देखेंगे प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है और क्या है, वी कॉन्स्टेंट है, मतलब इन ओपन वेसल, बोलोगे इन ओपन वेसल, इन ओपन वेसल प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेंस कॉन्स्टेंट। That is, देखो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और आर पहले से कॉन्स्टेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, एन वन टी वन इज इक्वल टू एन टू टी टू, एन वन टी वन इज इक्वल टू एन टू टी टू, दैट इज इनिशियल मोल इंटू इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल सॉरी फाइनल मोल इंटू फाइनल टेम्परेचर। बस आपको देखो, आपको यहाँ पे याद रखना क्या करना है, हम बस इतना यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कंटेनर ओपन है तो वहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, गैस को हीट किए या गैस को कूल किए तो जो गैस का अमाउंट है या तो एक्सपेल्ड आउट होगा या क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो भी होगा गैस के मॉलिक्यूल्स बस गैस के मोल्स में चेंज आएगा, और जो वॉल्यूम है वॉल्यूम स्टिल रिमेंस कॉन्स्टेंट, वॉल्यूम स्टिल रिमेंस कॉन्स्टेंट। देन वी कैन यूजली है ना फ्रॉम आइडियल गैस सिचुएशन वी कैन यूज एन वन टी वन इज इक्वल टू एन टू टी टू। तो इन कॉन्सेप्ट्स पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट दैट इज क्लोज कंटेनर के कॉन्सेप्ट पे। अब जल्दी से नोट करो, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, एक सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लिखिए। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखो एक मिनट।
क्वेश्चन 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 है, देखो क्वेश्चन लिखना, ओपन वेसल लिखना, एन ओपन वेसल कंटेन, एन ओपन वेसल कंटेन गैस एट टी इक्वल टू, ओपन वेसल, वेसल क्या ओपन है और क्या मतलब गैस यहाँ पे है एट 27 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एयर व्हिच आर आउट ऑफ द वेसल, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एयर, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एयर व्हिच आर आउट ऑफ द वेसल, व्हिच आर कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एयर, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ एयर विच आर आउट ऑफ द वेसल वेन इट इज हीटेड टू 127 डिग्री सेल्सियस, वेन इट इज हीटेड टू 127 डिग्री सेल्सियस। देखो इनिशियली 27 पे था, इनिशियली कहाँ पे था 27 पे, इसको हीट किया कहाँ तक, इसको हीट किया टी इक्वल टू 127 डिग्री सेल्सियस, कहाँ तक हीट किया 127 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बोला फ्रैक्शन ऑफ एयर विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द वेसल, मतलब कितना एयर का फ्रैक्शन, मतलब कितना है ना पार्ट उसका बाहर निकल गया। देखो फ्रैक्शन बोले या परसेंटेज बोले उससे कोई मतलब नहीं है, फ्रैक्शन या परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, आप लोग बस फोकस करो कि क्वेश्चन पे अप्रोच क्या करना है, क्वेश्चन का अप्रोच क्या करना है। देखो यहाँ आपको बोला कि ओपन वेसल बोल दिया, ओपन वेसल बोल दिया तो मतलब क्या गैस यहाँ फिल्ड था, गैस फिल्ड था कहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हीट किया, हीट कहाँ तक किया 127 डिग्री सेल्सियस तक, तो कितना एयर के, कितना एयर का फ्रैक्शन बाहर आया, कितना एयर का फ्रैक्शन बाहर आया। अब देखो जब एयर का फ्रैक्शन बाहर आया हो, जब एयर का फ्रैक्शन बाहर आया हो तो हम फिर से क्या बोलेंगे, फॉर्मूला तो ही लगाएंगे, फॉर्मूला ही लगाएंगे ना, क्या लगेंगे फॉर्मूला N1T1 दैट इज इक्वल टू N2T2, मतलब इनिशियल मोल इंटू टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू फाइनल मोल इंटू टेम्परेचर। हम पहले बोल चुके हैं जब भी हम टेम्परेचर में काम करते हैं तो हमेशा काम कहाँ करते हैं कैल्विन में, काम कहाँ करते हैं कैल्विन में, दैट इज 27 प्लस क्या बोलेंगे 273, कितना होगा 300, यहाँ पे कितना बोलोगे 127 प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 400। ओके अब देखो इनिशियल मोल और फाइनल मोल हमको निकालना कि कितना फ्रैक्शन बाहर निकला है, इट मीन्स हम क्या करते हैं कि मोल्स में रिलेशन निकाला करो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप लोग हमेशा क्या करो मोल में रिलेशन निकाला करो, क्या करो मोल में रिलेशन निकाला करो। अब देखो दैट इज देखो N1 इंटू T1 कितना था 300, N2 दैट इंटू कितना 400, N2 इंटू 400 यही लिखोगे ना। अब यहां तुलना से देख सकते हो, देखो तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि देखो N1 इज इक्वल टू N2 इंटू 400 बाय 300 दैट इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 4/3 N2 दैट इज N2 इक्वल टू क्या लिखोगे 3/4 N1 देखो तो डाउट आता किसी को, डाउट आता। अब देखो मतलब कितना फ्रैक्शन बाहर निकला, कितना फ्रैक्शन बाहर निकल गया। देखो मतलब N2 इतना है तो बोलोगे ना कितना चेंज है, चेंज इन मोल बोल सकते हो ना, चेंज इन मोल कितना बोलेंगे N2 माइनस N1 ये बोलोगे ना, मतलब N2 N1 क्या बोलोगे आप बोलोगे क्या, एक मिनट चेंज बाहर निकला है ना बाद में क्या होगा मोल कम हो गया होगा ना, बाद में मोल क्या हो गया होगा कम हो गया होगा, हम लोग क्या लिखेंगे आप N1 माइनस N2 कितना है N1 कितना देखो तो 4/3 N2 N1 कितना है 4/3 N1 N2 और माइनस N2 सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपको आ जाएगा N2 over 3 ये होगा ना 4 minus 3 N2 by 3 मतलब ये बोलोगे ना, देखो हम क्या बोले कि इतना चेंज है मोल में, चेंज कितना है N2 minus N1 क्या मोल का चेंज है, N2 minus N1 क्या मोल का चेंज है, तो N1 कितना है 4/3 N1 4/3 N2 ही है ना 4/3 N2 लिखे तो क्या बोलेंगे 1/3 N2 1/3 मतलब इतना चेंज क्या है मोल का चेंज है, तो फ्रैक्शंस की बात कर सकता है या कितना परसेंटेज बाहर का वो बोल सकता है, तो हम लोग रिलेशन भी निकाल सकते हैं, जो भी क्वेश्चन बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर सकते हैं, हम लोग वर्क कर सकते हैं। ओके आप लोग देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको मोल और टेम्परेचर का रिलेशन निकालना था और यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा नहीं था। ओके इसको जल्दी शुरू करना, ओके नेक्स्ट क्या देखिए क्लोज कंटेनर। देखो क्लोज कंटेनर जो है ना, जैसे ओपन में देखिए ओपन क्या था, ओपन वाले में क्या था कि उसका एक पार्ट क्या था ओपन था, एक पार्ट क्या था ओपन था, पर देखो क्लोज वाले में है, क्लोज में मेरे पास दो दो था कंटेनर, एक होता है रिजिड, एक रिजिड है और एक फ्लेक्सीबल है, एक क्या फ्लेक्सीबल। देखो रिजिड का मतलब क्या है, सपोज कोई कंटेनर है इसका जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट यह मतलब क्या, सपोज गैस फील्ड है और यहाँ पे कोई एक ना होता है कि ना क्या बोल सकते उसको जो उसको बंद कर स्टॉपर लगा हुआ है और यहाँ पे गैस फील्ड है, यहाँ पे क्या है गैस फील्ड है,
यहाँ पे गैस फील्ड है और हम क्या हो, ये रिजिड है, पता ये रिजिड है, अब इसमें कोई भी चेंज करेंगे ये पार्ट मूव नहीं कर सकता, यदि ये पार्ट मूव नहीं कर सकता है तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा, बता रहा तो इस वाले के लिए वी कॉन्स्टेंट होगा, भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा। अब हम जब बोले जब ये मूव नहीं कर सकता है वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट है, वॉल्यूम क्या है कॉन्स्टेंट है, और जो गैस फील्ड है वो भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, बता दो गैस फील्ड मतलब क्या, हम क्या बोले जब कंटेनर क्लोज कर चुके हैं, जब कंटेनर क्लोज कर चुके हैं उसमें तुम कुछ भी चेंजिंग करो, उसमें तुम कुछ भी चेंजिंग करो तो जो गैस है वो भी क्या अभी कॉन्स्टेंट ही होगा, वो अभी भी क्या होगा कॉन्स्टेंट ही होगा, वो अभी भी क्या होगा कॉन्स्टेंट ही होगा। अब देखो जब वो कॉन्स्टेंट ही होगा, जब वो क्या होगा कॉन्स्टेंट ही होगा तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना, देखो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि है ना पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही था ना पी वी इक्वल टू क्या था एन आर टी, पी वी इक्वल टू क्या था एन आर टी। तो जब वी कॉन्स्टेंट है, एन कॉन्स्टेंट है, आर पहले से कॉन्स्टेंट है तो देन क्या बोलोगे पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू, पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू। इट मीन्स ये कॉन्सेप्ट था रिजिड कंटेनर, देखो आप लोगों को इतना पता तो होगा ही रिजिड कंटेनर है ऐसा क्या मतलब है कि उसमें जो एक पार्ट हम फिक्स कर चुके हैं, जब उसमें एक पार्ट फिक्स कर चुके हैं उसमें क्या कर चुके एक पार्ट क्या कर चुके फिक्स कर चुके हैं, तो जब वो फिक्स पार्ट है, जब वो क्या है फिक्स पार्ट है तो मूव नहीं कर सकता। अब देखना जब वो मूव नहीं कर सकता है इसका कहने का ये मतलब हुआ कि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, जब वो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है और मूव भी नहीं कर रहा है नंबर ऑफ गैस ऑफ मोल भी कॉन्स्टेंट ही है, गैस के मोल भी क्या है कॉन्स्टेंट है। देन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन से दैट पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू। ओके अब देखो हम लोग आते हैं फ्लेक्सिबल पे, देखो फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है कि कोई कंटेनर है, अब यहाँ जो ये पार्ट लगा हुआ है ये जो पार्ट है ये मूव कर सकता है, ये क्या होगा ये मूवेबल है, ये क्या है मूवेबल है मतलब कि मूव कर सकता है, मतलब यदि हम इसको हीट करेंगे तो आगे जाएगा, हीट कूल करेंगे तो कंट्रैक्ट हो जाएगा। इट मीन्स इन केसेस में गैस का वॉल्यूम चेंज करेगा कि नहीं करेगा, चेंज करेगा। देखो यहाँ पे क्या होगा गैस के वॉल्यूम क्या होंगे चेंज करेंगे। देखो अब देखा जब कंटेनर क्लोज है, जब कंटेनर क्या है क्लोज है, पिस्टन मूव कर सकता है, पिस्टन मूव कर सकता है तो बोलोगे ना कि जो गैस का मोल था, गैस का मोल अब भी वहीं पे है, गैस के मोल में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रहा है, गैस के मोल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, गैस के मोल में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो यदि हम आइडियल गैस इक्वेशन पुट करें, फ्रॉम आइडियल गैस बोल सकते हो ना पी वन वी वन ओवर एन, देखो तो सॉरी है ना PV इक्वल टू क्या है NRT, PV इक्वल टू क्या है NRT, PV इक्वल टू क्या है NRT। देखो जब गैस ऊपर नीचे जा सकता है, गैस क्या होगा ऊपर नीचे जा सकता है, गैस क्या होगा ऊपर नीचे जा सकता है तो बोलोगे ना कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है। N फिक्स है, N क्या है फिक्स है, N क्या है फिक्स है और R क्या है पहले से फिक्स है, R क्या है पहले से क्या है फिक्स है, तो हम क्या यूज करें, देखो तो पी वी बाय टी क्या होगा कॉन्स्टेंट, क्या होगा कॉन्स्टेंट, दैट इज पी वन वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू ओवर टी टू, पी वन वी वन ओवर टी टू इक्वल टू पी वन वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू बाई टी टू। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में यदि कोई डाटा और भी तुमको कॉन्स्टेंट दे दिया तो उसको भी हम क्या करें कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, अदरवाइज यदि कोई डाटा और कॉन्स्टेंट नहीं दिया हुआ इतना डाटा आप लेके चलोगे। इट मीन्स इन केस ऑफ ना फिक्स है ना फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल में क्या बोले मोल कॉन्स्टेंट कर दे बट वॉल्यूम चेंज कर, वॉल्यूम का चेंज होगा बट मोल क्या होगा अब भी कॉन्स्टेंट ही होगा। देन हम आइडियल गैस इक्वेशन को यूज किए, हम वहां से ये डाटा निकाल लिया। इट मीन्स ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट किसका है रिजिड कंटेनर का, और ये कॉन्सेप्ट किसका है फ्लेक्सिबल कंटेनर का, किसका फ्लेक्सिबल कंटेनर का। आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको, फिर हम क्या करेंगे एक क्वेश्चन देखते हैं जो बच्चों का डाउट आया था, फिर हम लोग उसमें चेक करेंगे कि वो किस टाइप के कंटेनर है, ओपन कंटेनर है या क्लोज कंटेनर है या फ्लेक्सिबल जो भी होगा देखते हैं उसमें। ओके ओके नोट जल्दी करो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए गैस एट 240 केल्विन इज हीटेड टू 127 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। देखो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको पता नहीं है कि ओपन कंटेनर है कि क्लोज है। ओके बट इतना तो ना आप बोल सकते हो, इतना तो आप बोल सकते हो कि जब वॉल्यूम का चेंज निकालने बोला, जब हमको वॉल्यूम का चेंज निकालने बोला तो ये ओपन कंटेनर नहीं होगा, ये क्या होगा ओपन कंटेनर नहीं होगा। क्यों, यदि ओपन कंटेनर इसलिए नहीं होगा क्योंकि इन केस ऑफ ओपन कंटेनर आपका जो वॉल्यूम था वो भी कॉन्स्टेंट था, वो क्या था वॉल्यूम क्या था वो भी कॉन्स्टेंट था, वॉल्यूम क्या था वो भी कॉन्स्टेंट था। अब देखो जब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था, जब क्या था वॉल्यूम कॉन्स्टेंट था तो
हम क्या बोले, प्रेशर कॉन्स्टेंट बोला ना, प्रेशर क्या बोला, तो डेफिनेटली क्लोज कंटेनर होगा, ये क्या होगा क्लोज होगा, ये क्या होगा क्लोज्ड। अब देखो क्लोज्ड में वॉल्यूम का चेंज है, वॉल्यूम का चेंज है, दैट इज क्लोज में ना ये फ्लेक्सिबल वाला पार्ट होगा, क्लोज में क्या होगा ये फ्लेक्सिबल वाला पार्ट होगा। इट मीन्स देखो फ्लेक्सिबल वाला पार्ट में क्या लिखे थे, देखना पीछे जस्ट पीछे देखना, फ्लेक्सिबल वाला पार्ट में क्या लिखे थे, V1 P1 V1 T1 = 2 P2 V2 / T2 हमें यही पार्ट लिखे थे, ये लिखे थे ना। अब देखना बट हमको आगे ये बोल दिया ना कि प्रेशर कॉन्स्टेंट लेके चलना है, क्या लेना प्रेशर कॉन्स्टेंट, दैट इज P1 को क्या करो फिक्स कर दो, That is P1 equal to P2, right? Pressure क्या है? Constant है ना? Pressure क्या है? Constant है. That is V1 by T1 is equal to क्या हो जाएगा? V2 by T2. V1 by T1 equal to V2 by T2. बस अब तुम डाटा पुट करो. हमको पता नहीं V1. हम क्या लिख लें? V1 over क्या लिखोगे? T1. T1 कितना बोला? 240 Kelvin. कहाँ पे? 240. यहाँ क्या लिखेंगे? 240 क्या लिखोगे? 240 is equal to V2 over T2. कहाँ तक हीट किया? 127. 127 plus कितना? 273. कितना हो जाएगा? 400 कितना होगा 400 दैट इज हम लोग यहां से लिख सकते हैं ना कि जो V2 होगा V2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 400 बाय 240 इनटू क्या लिखोगे V1 दैट इज V2 इक्वल टू 5 ओवर कितना 3 V1 5 ओवर 3 V1 हो सकता है ना 84 है। हां अब देखो हमको क्या बोला परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम तो चेंज क्या लिखेंगे चेंज क्या लिखोगे चेंज क्या होगा चेंज फाइनल दैट V2 माइनस क्या होगा V1 V2 माइनस V1 तो V2 कितना है देखो V2 कितना है 5 बाय 3 V1 माइनस क्या लिखेंगे V1 दैट इज 2 बाय 3 V1 2 बाय 3 परसेंटेज कितना होगा 2 बाय 3 V1 और क्या लिखोगे V1 इनटू क्या लिखोगे 100 कट गया दैट इज 66.6% ये हो रहा 2 बाय 3 200 ये देखोगे ना देखो 2 बाय 3 इनटू क्या लिखोगे 100 का ये होगा देखो हम क्वेश्चन में जो डाटा था उस डाटा के अकॉर्डिंग हम चले तो डाटा के अकॉर्डिंग जब चले तो हमको ये लगा कि कंटेनर क्लोज होगा बट क्लोज कंटेनर में फ्लेक्सिबल था उसके बाद हम प्रेशर को कांस्टेंट इसलिए किए क्योंकि क्वेश्चन में आगे हमको मेंशन कर दिया कि प्रेशर आप कांस्टेंट लेके चलो प्रेशर आप कांस्टेंट लेके चलो यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चल रहे यदि हम प्रेशर को कांस्टेंट लेके चल रहे तो देन मेरा जो इक्वेशन क्या बना V1 / T1 = V2 / T2 हमको क्या बोला परसेंटेज चेंज तो चेंज क्या लिखे V2 / V2 - V1 तो वहां से हम चेंज निकाले देन उसको क्या किए परसेंटेज में क्या किए कन्वर्ट दैट इज 66.6% जल्दी से इसको नोट करो ये तो कोई डाउट है फिर बोलो जल्दी से कॉपी नोट करो इसको ओके तुम लोग आते हैं अब है ना नेक्स्ट में बच गया कनेक्टिंग वेसल क्या बच गया नेक्स्ट कनेक्टिंग वेसल ओके तो नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग वेसल कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टिंग देखो कनेक्टिंग वेसल का मतलब क्या है ना समझो सपोज कोई वेसल है क्या कोई वेसल है इसको हम एक वेसल दूसरा वेसल यहाँ पे ये कनेक्ट है और इसको हम यहाँ पे है ना स्टॉपर से बंद किए हुए तो दो अलग अलग वेसल क्या है आपस में कनेक्ट है आपस में क्या कनेक्ट है किसी ट्यूब से क्या कनेक्ट है सपोज क्या बोले इनिशियल यहाँ पे प्रेशर P1 है वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर क्या है T1 है टेम्परेचर क्या है T1 है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे P2 है V2 है और क्या है T2 है मतलब इनिशियली मेरे पास दो वेसल है दोनों आपस में कनेक्ट है थ्रू ए ट्यूब एंड हम उसको क्या किए दोनों को सेपरेट अलग अलग किए हुए दोनों क्या किए हम सेपरेट किए हुए ठीक है अब सपोज क्या बोले जब स्टॉपर रिमूव हुआ जब स्टॉपर को हम रिमूव किए जब स्टॉपर को हम क्या किए रिमूव किए जब स्टॉपर रिमूव हुआ तो क्या हुआ गैस क्या हो गैस मूव करेगा ना जब गैस मूव करेगा तो पूरा का पूरा गैस क्या हो मिक्स हो जाएगा जब पूरा का पूरा गैस मिक्स हो जाएगा बोलोगे ना मिक्सिंग तब तक होगा जब तक कि दोनों तरह का सॉरी दोनों है ना साइड का प्रेशर क्या हो जाए बराबर ना हो जाए इस दोनों साइड का प्रेशर बराबर हो जाएगा देखो हम सिंपली क्या हो पता है ना गैस मूव कहाँ करता है गैस मूव करता है फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर देखो इसका कॉमन एग्जांपल है अब देखते हो कोल्ड ड्रिंक्स का है ना होता है डब्बा जब उसको अच्छे से मिक्स करके खोलते हो ना तो क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स बाहर निकलता है बाहर क्यों निकलता है क्योंकि अंदर हाई प्रेशर है अंदर हाई प्रेशर है बाहर क्या है कम प्रेशर है जो इसको मिक्स करके बाहर निकाल उसका है ना जो भी है ना आपका उसका बोलते हो गैप है उसको खोलते हो ना जो कोल्ड ड्रिंक्स बाहर क्यों निकलता है क्योंकि बाहर प्रेशर कम है अंदर प्रेशर क्या था ज़्यादा था वही कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है ना कि इसको जब मूव किए जो स्टॉपर को क्या किए रिमूव किए जो ये स्टॉपर रिमूव हुआ तो गैस मॉलिक्यूल्स का क्या हुआ मूवमेंट हुआ जब गैस मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ तो पूरा का हम क्या बोले देखो मूव किए मतलब क्या मूव करने के बाद सॉरी जो स्टॉपर है उसको क्या किए रिमूव किए तो ऐसा हो गया तो ऐसा हुआ मतलब क्या पूरा गैस का मिक्सिंग हो गया जब पूरा गैस का मिक्सिंग हो गया तो अब जो इस वाल पे स्ट्राइक कर रहा होगा तो वो
एक इक्वल प्रेशर के साथ कर रहा होगा। आप ये भी बोल सकते हो जो एमएस स्टॉपर को रिमूव किए गैस मिक्स हुआ, गैस मिक्स हुआ, गैस मिक्स होने के बाद, गैस के मिक्सिंग होने के बाद जो अनाप क्या बोलते हो ना, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब वॉल पे जो फोर्स लगा रहा है उसी का होता है ना। इटमीन जब गैस का मिक्सिंग हो गया, गैस का क्या हो गया, मिक्सिंग हो गया, तो जो अब जो प्रेशर वो अप्लाई कर रहा होगा वो इक्वल होगा। यदि वो इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, यदि वो इक्वल होगा तो ये बोलेंगे कि वो इक्वल प्रेशर के साथ वहां पे जा रहा होगा। अब देखो इट मीन्स पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी क्या हुआ पी। देखो जिसको ये समझ नहीं आया वो ये समझना कि जब जो ही हम इसको रिमूव करेंगे तो गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा, वो तब तक मूव करेगा जब तक कि प्रेशर बराबर ना हो जाए, जब तक कि प्रेशर बराबर ना हो जाए। जब भी आपको कनेक्टिंग प्रेशर का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप ये मान के चलना कि गैस जो ही हम स्टॉपर को रिमूव करेंगे गैस का क्या होगा, मिक्सिंग होगा, और गैस का मिक्सिंग तब तक होगा जब तक कि वो प्रेशर इक्वल ना कर ले, प्रेशर इक्वल ना कर ले। तो देखो अभी भी इसका वॉल्यूम क्या होगा V1, अभी भी इसका वॉल्यूम क्या होगा V2, वॉल्यूम में कोई चेंज अभी भी नहीं आएगा क्योंकि वॉल्यूम अभी बराबर ही होगा, क्योंकि इस यहाँ पे जो वॉल्यूम था और जो यहाँ वॉल्यूम था वॉल्यूम बराबर ही होगा। टेम्परेचर का चेंज आपको देगा तो उसके अकॉर्डिंग लेके चलना, अदरवाइज टेम्परेचर का बोला कि सारा कुछ एक सेम टेम्परेचर पे हो रहा है, पूरा का पूरा क्या टेम्परेचर सेम ले लेना। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि यदि टेम्परेचर को चेंज किया नहीं किया तो अलग बात है, वो क्या अलग बात है। ठीक है देखो तो बोलोगे ना, अब देखो इस सब प्रोसेस में, इन सारे प्रोसेस में आप ये बोलोगे कि देखो जूम मोल यहां पे था, जूम मोल यहां पे था, ठीक है। जब गैस का इंटरमिक्सिंग हुआ तो जो गैस का अमाउंट तो कहीं बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, नहीं जा रहा है, गैस अभी भी वहीं पे है। यदि गैस अभी भी वहीं पे है तो एक चीज हमेशा कॉन्स्टेंट है, वो क्या है, वो क्या है, वो क्या कॉन्स्टेंट है, गैस के मोल अभी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है। गैस के मोल अभी भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि जो गैस इनिशियल यहां पे था और जो गैस इनिशियल यहां पे था वो गैस मॉलिक्यूल अब भी यहीं पे होगा, वो क्या होगा, अभी भी यहीं पे होगा। इट मीन यहाँ पे प्रूव होता है PV इक्वल टू क्या होता है, NRT होता है, PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV बाय टी, हम R नहीं मान रहे, R तो कॉन्स्टेंट होता है, R क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। इट मीन जो मोल यहां पे है और जो मोल यहां पे है, मतलब इन मोल का सम इज इक्वल टू जो मोल यहां पे है, सम तो बराबर ही होगा ना। इट मीन जो स्टॉपर को रिमूव करने से पहले जो मोल का सम था वो मोल का सम अभी भी होगा, क्योंकि गैस मिक्स हुआ है, गैस कहीं बाहर गया नहीं। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे, इनिशियल मोल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, फाइनल मोल। इनिशियल मोल इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, फाइनल मोल। इनिशियल मोल इक्वल टू क्या बोलेंगे, फाइनल मोल। देखो इनिशियल मोल कितना था, P1 V1 / T1 प्लस P2 V2 / T2 इज इक्वल टू फाइनल मोल। क्या बोलोगे हम, सपोज T1 की बात की, हटाओ T1, T2 से कोई मतलब नहीं है, मतलब है ना, क्या लिखेंगे, P V1 / T1 + P V2 / T2। यदि हमको टेम्परेचर के बारे में डाटा देगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस के साथ चलेंगे। हम आपको एक डाउट्स के थ्रू चलेंगे, किसी बच्चों का डाउट था उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज होना था। आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से नोट करो इसको। ओके देखो क्वेश्चन क्या है, टू सिलेंडर बोथ आर कंटेनिंग CO2 आर कनेक्टेड बाय ट्यूब फिटेड विथ टैप। देखो मतलब दो कंटेनर है जो भी हम डाटा किए थे, दो कंटेनर है, दोनों में क्या है CO2 और दोनों में क्या है CO2 है। आर फिटेड विथ टैप मतलब क्या है, एक टैप के थ्रू क्या फिटेड है। द कैपेसिटी ऑफ वन सिलेंडर इज 4 dm³। एक फर्स्ट का इसका डाटा क्या, इसका वॉल्यूम कितना है 4 dm³, वॉल्यूम कितना है इसका 4 dm³, एंड दैट ऑफ अदर इज 1 dm³। इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है 1 dm³। द प्रेशर ऑफ फर्स्ट सिलेंडर इज 560, इसका जो है ना मतलब P1 कितना है 560, और जो P2 है वो हमको कितना दिया हुआ है 1000, कितना दिया 1000 mm of Hg, इसका भी 1000 mm Hg। ठीक है, और हमको क्या करना, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर इफ टेम्परेचर रिमेंस कॉन्स्टेंट। देखो हम फिर से यही बात बोलेंगे कि जो कॉन्सेप्ट था बस वही फॉर्मूला लगा दो और कुछ नहीं है। मतलब दो अलग अलग कंटेनर था, दोनों को हम एक ट्यूब से कनेक्ट किए थे, दोनों का आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, दोनों का आपको डिफरेंट प्रेशर दिया हुआ है। तो जब हम टैप को रिमूव करते, क्या जो जिससे कनेक्ट था स्टॉपर को जब हम रिमूव करेंगे तो गैस का मूवमेंट होगा, और मूवमेंट तब तक होगा जब तक कि प्रेशर बराबर ना हो जाएगा। इट मीन्स इनिशियल जो सम ऑफ इनिशियल मोल इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ फाइनल मोल। इनिशियल मोल कितना है, इनिशियल मोल कितना है P1 V1 / T1 प्लस क्या बोलोगे P2 V2 / T1 है ना, टी है ना, टी कॉन्स्टेंट बोल दिया तो अब यहाँ भी टी लिख लो, टी कॉन्स्टेंट बोला ना कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो टी लिख लो इज इक्वल टू प्रेशर कॉन्स्टेंट P V1 / क्या लिखोगे T + P V2 / T।
देखो तो V1 V2 में कोई चेंज नहीं आना है, V1 V2 में कोई चेंज मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है वो अभी भी उतना ही वॉल्यूम होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आना है। अब बस डाटा देखो, T बराबर है तो T को हटा दो, T को क्या करो हटा दो। अब देखो इनिशियल प्रेशर कितना था 560, कितना था 560, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 4, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 4। अब देखो इधर क्या बोलोगे, P2 कितना है, P2 कितना है 1000, P2 कितना है 1000 इनटू वॉल्यूम कितना है 1, इनटू क्या वॉल्यूम 1 इज इक्वल टू P, हम P माने कांस्टेंट, P कांस्टेंट है, वॉल्यूम कितना है 4, दैट इज 4P, प्लस क्या बोलोगे 1, दैट इज P। तो इसको आप सॉल्व करो है ना, 0 22 प्लस क्या होगा 1000, दैट इज इक्वल टू 5P, दैट इज P इक्वल टू कितना हो जाएगा 3240 बाय कितना 5, दैट इज फाइनल प्रेशर 625448, इतना mm ऑफ एचजी हो जाएगा आपका। देखो कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, ये आपको इतना पता चल गया कि कनेक्टिंग वेसल में क्या होता है। कनेक्टिंग वेसल में बस इतना होता है कि जब आप है ना उसके जो स्टॉपर को रिमूव करोगे तो गैस मॉलिक्यूल मूव करेगा, और गैस मॉलिक्यूल तब तक मूव करता है जब तक कि उसका प्रेशर क्या हो जाए कांस्टेंट ना हो जाए। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को यदि समझ गए है ना, डाटा अच्छे से लिखो। हम क्या करेंगे, आपको इन तीन कॉन्सेप्ट जो हम कॉन्सेप्ट आज किए हैं, ओपन वेसल, क्लोज वेसल एंड कनेक्टिंग वेसल, इस पर आपको हम 10 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो अच्छे क्वेश्चन होंगे, तो आप यदि इन कॉन्सेप्ट को समझो, यदि कोई डाउट होगा फिर हम उसका भी डाउट लेंगे। ओके, आपको जल्दी से नोट करो।